हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंधित में हम यहाँ बात करें जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस और बैंकिंग का मॉड्यूल ए है, यूनिट नंबर 3 है, रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग। तो पहला पॉइंट, रिटेल बैंकिंग है क्या? देखिए, रिटेल बैंकिंग वो बैंकिंग होता है जहाँ पे ज्यादातर लोग काम करते हैं। आप 100 में से 95 ब्रांच, आज के डेट में 95 ब्रांच है, बल्कि ज्यादा ब्रांच जो होंगी रिटेल बैंकिंग की होती है। हम और आप सभी लोग रिटेल बैंकिंग में ही काम करते हैं और रिटेल बैंकिंग सभी बैंक करते हैं, चाहे कॉर्पोरेट, चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आपका कॉपरेटिव बैंक हो, रिटेल बैंकिंग सभी बैंक करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिटेल बैंकिंग में ये होता है कि कस्टमर आता है आपके ब्रांच में, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। तो वो कस्टमर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, हमारा आप जैसे इंसान, या फिर कोई कंपनी हो सकता है। कंपनी का क्या होगा, एक सिंगल मालिक होगा, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, दो मालिक हो गए, पार्टनरशिप हो गया, या दो से ज्यादा मालिक हो तो भी पार्टनरशिप होता है। क्लब हो गया, ट्रस्ट हो गया, एसोसिएशन हो गया, स्कूल हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मीडियम स्केल बिजनेस एंटिटी आएगा आपके यहाँ। फिर बोलते हैं डिफरेंट तरह का रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स होता है। रिटेल बैंकिंग डिपॉजिट प्रोडक्ट्स है, क्या क्या है, डिफरेंट तरह का रिटेल बैंकिंग डिपॉजिट प्रोडक्ट्स है। उदाहरण के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, जीरो बैलेंस अकाउंट जो होता है सैलरी पर्सन के लिए होता है, बीएसबीडीए यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि 50 रुपये तक ही अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, उससे ऊपर का बैलेंस नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली खोला जाता है स्टूडेंट के लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, या जनधन योजना में भी सारे के सारे बीएसबीडी अकाउंट ही खुला है। सीनियर सिटीजन अकाउंट रहता है। उसके बाद है डिफरेंट तरह का रिटेल लोन प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। डिफरेंट तरह का क्या होता है, यहाँ पे रिटेल लोन प्रोडक्ट्स आपको मिलता है, जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, क्रॉप लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, एसएमई लोन हो गया, ठीक है। और दूसरा तरह का रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है, दूसरा तरह का रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हो गया, यहाँ पे सेफ डिपॉजिट लॉकर, डिपॉजिटरी सर्विसेज, बैंक का इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बैंक का इंश्योरेंस हो गया यानी बैंक के अंदर ही आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं, कॉर्नर दिया रहता है बैंकिंग प्रिसिंग जहां पर आप इंश्योरेंस बेचते हैं। होलसेल बैंकिंग में आइए, होलसेल बैंकिंग क्या होता है, ये आपको रेफर करता है कि आप बिजनेस कैसा कर रहे हैं। ये रेफर करता है क्या, डूइंग ऑफ बिजनेस है ना, कैसे रेफर करता है कि बिजनेस जो है कैसा चल रहा है आपका, कैसा बिजनेस एक्टिविटी है आपका, उसको ये बताता है और उसको ये पॉइंट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बिजनेस, मतलब ये रेफर करके आपको ये बता रहा है कि कैसा बिजनेस चलता है आपका। मतलब होलसेल बैंकिंग उस तरह के अकाउंट खोलता है, और ये बेसिकली होलसेल बैंकिंग बोलो या कॉर्पोरेट बैंकिंग बोलो, होलसेल बैंकिंग बोली या फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग बोली, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज का अकाउंट खुलता है, या फिर बड़े बड़े बिजनेस एंटिटीज का खुलता है, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज का खुलता है, या बहुत बड़ा भारतीय कंपनी होगा उसका खुलता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में ज्यादा अच्छे से है। जैसे आप टाटा जानते होंगे, बहुत नामी कंपनी है, जमशेदपुर में टाटा का खुद का पूरा सेटअप किया जाए, जमशेद जी थे उनका ही नाम पे जमशेदपुर बसा हुआ है, उन्होंने ही जमशेदपुर बसाया है एक्चुअली, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ पहले टाटा की ही कंपनी थी, और किसी कंपनी आज भी टाटा ही है, अब हो सकता है कोई और भी आया हो, बट टाटा का एक एरिया है, उस एरिया का अगर आप जाएंगे तो वहां पे इनफैक्ट टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको भारत के जितने बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, सभी बैंकों ने, या फॉरेन बैंक हो, सभी बैंकों ने अपना एक एक ब्रांच खोल दिया है। क्यों? टाटा एक खुद में बहुत बड़ी कंपनी है, और ये खोला है इसलिए, अब ऐसा होगा कि वहां पर टाटा में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ब्रांच से वो काम हो जाएगा, ठीक है, वहां पे कई ब्रांचेस खोलनी पड़ते हैं, और ये काम सिर्फ और सिर्फ उनके एम्प्लॉयज के लिए ही करेगा, और किसी के लिए नहीं करेगा। अगर कोई बाहरी कस्टमर आएगा उसके लिए नहीं वो काम करेगी, ये ब्रांच जो खोला हुआ है सिर्फ और सिर्फ टाटा या टाटा के एम्प्लॉयज के लिए खोला हुआ है, उनके ही एम्प्लॉयज को लोन देगी, उनके एम्प्लॉयज की सैलरीज क्रेडिट करेगी, उससे उसके अलावा कोई काम नहीं इनका, ठीक है। यानी डेडिकेटेड बैंक आप बोल सकते हैं, डेडिकेटेड बैंक सिर्फ और सिर्फ टाटा के लिए खोला है। ऐसी तरह इन्फोसिस का जब वो कैंपस में जाएंगे जहां ट्रेनिंग कराती है, या टाटा के कैंपस में, टाटा टीसीएस के, टाटा कंसल्टेंसी की सर्विसेज के कैंपस में जाएंगे, तो वहां भी कुछ बैंकों ने अपना डेडिकेटेड ब्रांच खोला है जो सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस हो या टीसीएस के कर्मचारी लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, होलसेल बैंकिंग का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे मतलब ये मत समझिए कि वो लोग भी नॉर्मल पब्लिक की तरह आएंगे आपके यहाँ, नहीं। क्योंकि ये इसलिए खोला जाता है कि भाई अगर वो पब्लिक उस तरह के लाइन में लगेगा तो ब्रांच, एक ब्रांच से तो होगा ही नहीं, वो
और दूसरी बात क्या है कि इतने टीसीएस में मेरे समझ से 70,000 से 80,000 लोग काम करते हैं, कौन ब्रांच संभाल लेगा उसको, है ना, हर आदमी को नीड पड़ता है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप सर्विस नहीं दोगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस, दूसरा बैंक दे देगा। तो यहाँ सभी बैंक को आज की डेट में करना पड़ता है होलसेल बैंकिंग, ठीक है। और इतना ही नहीं होता है, अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, रतन टाटा है। रतन टाटा क्या पब्लिक के द्वारा लाइन में लगेंगे पैसा निकालने के लिए? नहीं लगेंगे, वो उनके लिए डेडिकेटेड ब्रांचेज रहती हैं, जब चाहेंगे तब आएंगे, निकाल के जाएंगे एज वीआईपी, ठीक है। यही सब चीज़ समझना होगा आपको बैंकिंग में। बैंक भी करती है, ट्रीटमेंट देती है, कैसा आदमी क्या है उसके हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो सब चीज़ें हैं। उसके बाद होलसेल बैंकिंग का एक और, या कॉर्पोरेट बैंकिंग का एक और खास बात क्या होता है कि ये लोन देती है, और यहाँ पर लोन जो होता है बहुत बड़ा बड़ा लोन होता है, ठीक है, कई 1,000 करोड़ का। तो यहाँ पे सिंडिकेशन करती है। सिंडिकेशन मतलब कि कई बैंकों के साथ मिल के टाइप कर लेगी, ठीक है, उसके बाद लोन प्रपोजल भेजेगी और सभी बैंक मिल के लेंडिंग करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोर्टियम ऑफ बैंकिंग या सिंडिकेशन बैंकिंग, जिसमें एक लीड बैंक भी होता है जिसका सबसे ज्यादा पैसा लगा रहता है, ठीक है। तो हम थोड़ा पढ़ते हैं इसमें। फंड बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हो जाएगा, टर्म लेंडिंग हो गया, शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो गया, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो गया, बिल डिस्काउंटिंग हो गया, उसके बाद हो गया स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस हो गया, और एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया। नन फंड बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज में आएगा बैंक गारंटी आ गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, या कलेक्शन ऑफ बिल्स हो गया। उसके बाद वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या आ गया आपका, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या आ जाएगा, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज आ जाएगा, चैनल फाइनेंसिंग आ जाएगा, वेंडर फाइनेंसिंग आ जाएगा, आरटीजीएस आ जाएगा, ठीक है, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स हो जाएंगे आपको, सिंडिकेशन सर्विसेज जो भी हमने बात कर लिया, ठीक है। कैश मैनेजमेंट में क्या होता है, कैश को मैनेज करना होता है, ठीक है, सीधा सा कैश मैनेजर, कैश को मैनेज करना होता है, ठीक है, कैश उधटे नहीं है आपके आपके चीजों के लिए। उसके बाद होता है फॉरेक्स डेस्क होगा, मनी मार्केट डेस्क है, डेरिवेटिव डेस्क है, एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट है, टैक्स कलेक्शन है, बैंकर्स टू राइट इशू है, बैंकर्स टू पब्लिक इशू है, यानी जो शेयर्स जो मार्केट में फ्लो करता है वो जो इशू होती है वो बैंक के ही थ्रू इशू होती है, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। फिर बोलता है कि इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज जो होता है उसमें एक आ गया आपका पेमेंट गेटवे सर्विसेज आ गया, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग हो गया, फिर हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाएगा, और सप्लाई चेन पार्टनर्स भी हो जाएगा, याद रखिएगा। इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज में पेमेंट गेटवे सर्विस आ जाएगा, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग आ जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाएगा, और सप्लाई चेन पार्टनर्स भी आ जाएगा। इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, होता यह कि जैसे मान लीजिए आपका 100 यूनिट का माल बिका, वो 100 यूनिट का माल आपके अकाउंट में क्रिएट हुआ, यानी बैंक अकाउंट में क्रिएट हुआ, वो सब चीज को देखा जाता है। तो ये सब चीज भी बैंक करती है। इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग का मतलब है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, यानी वैसा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं जो एक देश से दूसरे देश को पैसा जा रहा है। यहाँ पे एक मेगा ऑफर और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। यहाँ पे आपको कोई भी, यहाँ पे आपको जेबी और सेबी कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। ये सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है, या आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से वीडियो लेक्चर कोर्सेज, केस स्टडी का वीडियो, 2006 का क्वेश्चन बैंक, क्यूके विजन नोट और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसकी वैलिडिटी रहेगी, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहती है। अगर आप कोई भी सिंगल जेबी सेबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं, इसका दाम 2,000 रुपये, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 600 रुपये। अगर आप जेबी का कॉमो पेपर खरीदते हैं, जिन पेपर एक साथ खरीदते हैं, इसका दाम है 4,500 रुपये, ऑफर प्राइस दाम रहेगा 1,500 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं, एबीएम प्लस डीएफ, इसका दाम 3,500 रुपये, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 1,100 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग लेते हैं, इसका दाम 4,500 रुपये, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 1,500 रुपये। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं, कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज, और कॉमो पेपर के मॉक टेस्ट का 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7825-46946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो गया ट्रिपल डॉट जेबीसीबीस्टडीमटेरियल.com, ईमेल आईडी हो गया state.sina123@gmail.com।